इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एससीओ देशों के सम्मेलन में पीएम मोदी ने कट्टरवाद को लेकर किया सावधान का। कट्टरवाद के कारण एससीओ देशों के सामने शांति, सुरक्षा और आपसी विश्वास की कमी। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता पर कब्जे का किया जिक्र, कहा हाल की घटनाओं ने चुनौती को किया स्पष्ट। पीएम मोदी ने कहा कट्टरपंथी ताकतों से लड़ाई युवाओं के भविष्य के लिए जरूरी, युवाओं को विज्ञान और तरक्की की सोच की ओर प्रेरित करना होगा। कट्टरपंथ के कारण क्षेत्र का नहीं हो रहा पूरा विकास, पीएम ने कहा कट्टरपंथ और आतंकवाद रोकने के लिए साझा कार्यक्रम बनाए एससीओ। भारत और एससीओ देशों में इस्लाम से जुड़ी उदारतावादी टॉलरेंस और समावेशी परंपरा मौजूद है, पीएम मोदी बोले एससीओ इनके बीच मजबूत तंत्र विकसित करे। पीएम मोदी ने एससीओ की बैठक में सदस्यों देशों के बीच कनेक्टिविटी सुधारने पर दिया जोर, कहा देश की संप्रभुता को हो सम्मान। किसान कानून के एक साल पूरा होने पर अकाली दल का संसद मार्च जारी, रकाबगंज गुरुद्वारे से आगे बढ़े हैं अकाली के कार्यकर्ता। सुखबीर बादल अकाली दल के मार्च की कर रहे हैं अगुवाई, एक ट्रक के ऊपर सुखबीर बादल समेत अकाली दल के कई बड़े नेता सवार। दिल्ली पुलिस की मंजूरी के बगैर निकाला जा रहा है अकाली दल का यह मार्च, पुलिस ने मार्च से पहले पूरी नई दिल्ली में धारा 144 लगाई। किसान कानून के लागू होने के एक साल पूरा होने पर ब्लैक फ्राइडे मना रहा है अकाली दल, मार्च में पार्टी के झंडे के साथ हजारों कार्यकर्ता मौजूद। मार्च से पहले अकाली दल कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ की धक्का मुक्की, बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की। अकाली दल के प्रदर्शन के कारण गुरुग्राम से सटी दिल्ली की सीमाएं सील, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर लगा लंबा जाम, रेंगती नजर आई गाड़ी। दिल्ली के झंडे वालान और शंकर रोड पर लगा लंबा जाम, रूट डाइवर्ट होने की वजह से जाम। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए रकाबगंज गुरुद्वारे के पास पुलिस ने लगाई बसें, पैरामिलिट्री फोर्स और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। प्रदर्शन को देखते हुए आईटीओ पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, गाड़ियों को रोककर की जा रही है चेकिंग, दिल्ली में पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात। सुखबीर बादल ने पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस घबरा गई, कैप्टन अमरिंदर सिंह को कृषि कानूनों और बिलों का फाउंटर बताया। पंजाब के अजनाला इलाके में भारत पाक सरहद पर फिर से दिखा ड्रोन, बीएसएफ की फायरिंग के बाद वापस लौटा। पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन पर आज देशभर में कार्यक्रम कर रही है बीजेपी, अगले 20 दिन जगह जगह चलाए जाएंगे कार्यक्रम। पीएम मोदी के जन्मदिन पर आज देश में 2 करोड़ वैक्सीन लगाने का लक्ष्य, अभी तक लगे हैं करीब 67 लाख से ज्यादा टीके। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मां गंगा को 71 मीटर की चुनरी चढ़ाई, दुग्धाभिषेक किया, पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना की। लखनऊ में वैक्सीनेशन के लिए लगी कतारें, बिना स्लॉट के ही लग रही है वैक्सीन, लखनऊ में 1,41,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया। पीएम मोदी के बर्थडे पर उत्तर प्रदेश में आज 27,000 बूथों पर हो रहा है कार्यक्रम, 71 जगह गंगा घाटों की भी होगी सफाई। मध्य प्रदेश में आज 32 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य, भोपाल में नमो टीका अभियान के तहत आज 1 लाख से ज्यादा का लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने मंदिर में की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ किया, प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना की। बिहार में भी मेगा वैक्सीनेशन मुहिम, एक दिन में 30 लाख टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया, पटना में 2 लाख लगेंगे वैक्सीन की डोज। आज बिहार में वैक्सीनेशन के लिए 50,000 स्वास्थ्य कर्मी लगाए गए, 15,000 केंद्र पर लगेगी वैक्सीन। बिहार के मधुबनी में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने पीएम मोदी के भगवान विश्वकर्मा रूप की पूजा की, कहा पीएम मोदी आधुनिक भारत के शिल्पकार। गुजरात में भी मेगा ड्राइव, अहमदाबाद में सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक लगेगा टीका, राज्य में आज 35 लाख लोगों को लगेगी वैक्सीन। भुवनेश्वर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन, दिए जलाए। पीएम मोदी के जन्मदिन पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई के बेसंत नगर बीच की सफाई की, तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष भी रहे मौजूद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी, लिखा आप स्वस्थ रहें और राष्ट्र सेवा करते रहें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पीएम मोदी को बर्थडे पर दी बधाई, कहा पीएम मोदी ने देश के लोगों में नई ऊर्जा और नया आत्मविश्वास पैदा किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को बधाई दी, ट्वीट कर कहा मोदी जी जन्मदिन की बधाई। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री मोदी के बर्थडे पर किया पौधारोपण, कोलकाता में राजभवन में लगाए जा रहे हैं 71 पौधे। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत की, कहा पीएम ने हमेशा राष्ट्र के उत्थान के बारे में सोचा, नड्डा ने पीएम की लंबी उम्र की कामना की। जेपी नड्डा ने कहा प्रधानमंत्री ने हमेशा जनहित में लिए फैसले, कश्मीर से धारा 370 हटाई, आतंकवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सपना भी पूरा किया। जेपी नड्डा ने कहा जनता के लिए समर्पित रहना पीएम का स्वभाव, पीएम की योजनाएं दलित पीड़ित वंचितों के लिए जन जन का विकास करना लक्ष्य। नांदेड़ के सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर में गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया पौधारोपण, पौधे को पानी भी दिया। अमित शाह ने कहा पीएम के बर्थडे पर 1 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य पूरा हुआ, सीआरपीएफ ने देश भर में 170 जिलों में लगाए हैं पौधे। अमित शाह ने कहा मोदी देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने जलवायु परिवर्तन में ध्यान दिया, गुजरात में पहली बार क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट बनाया। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सीएम योगी ने लखनऊ में शुरू किया सेवा समर्पण का कार्यक्रम, 7 अक्टूबर तक जारी रहेगा कार्यक्रम।
सेवा समर्पण का कार्यक्रम के तहत दिव्यांग बच्चों से मिले सीएम योगी। सरकारी शेल्टर होम में रहते हैं दिव्यांग लड़के और लड़कियां, सीएम ने बच्चों को दिए गिफ्ट। भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया पौधारोपण, पीएम के बर्थडे पर पौधा लगाया। मध्य प्रदेश सरकार का 26 सितंबर तक 18 प्लस के सभी लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाने का लक्ष्य। प्रदेश में अब तक 76% से ज्यादा लोगों को लग चुकी है पहली डोज। कर्नाटक के शिवमोगा में सांसद राघवेंद्र और बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट विजेंद्र ने किया वैक्सीनेशन ड्राइव का उद्घाटन। शिवमोगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में उद्घाटन किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर शिमला के कमला नेहरू अस्पताल में मरीजों से मिले। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर मरीजों को बांटा फल। बंगाल के सिलीगुड़ी के चिल्ड्रन स्कूल में टीचर्स ने मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का मास्क लगाकर केक काटा। प्रधानमंत्री मोदी के बर्थडे पर मुंबई में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, युवाओं ने रोड पर किया बूट पॉलिश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक शुरू। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर चर्चा हो सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अधीन लाने का किया विरोध, कहा टैक्स कम करे केंद्र सरकार, राज्यों के टैक्स लगाने के अधिकार पर ना हो अतिक्रमण। 18 सितंबर से शुरू होगी चार धाम की यात्रा, हाईकोर्ट के पाबंदी हटने के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया। कर्नाटक के कलबुर्गी में सीएम बसवराज बोम्मई ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कल्याण कर्नाटक उत्सव दिवस के अवसर पर माल्यार्पण किया। शेफाली जुनेजा बनी ICAO एविएशन सिक्योरिटी कमेटी की अध्यक्ष। भारत ने 12 साल बाद संभाली है जिम्मेदारी। शेफाली इस रणनीतिक समिति का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। भारत सरकार अगले 3 साल में ड्रोन निर्माण के क्षेत्र में 5,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी जानकारी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, अनुमान है साल 2026 तक ड्रोन इंडस्ट्री $180 करोड़ की हो जाएगी। पीएम मोदी से मिले हरियाणा के सीएम खट्टर, राज्य की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। सीएम खट्टर ने पीएम मोदी को किसान आंदोलन के बारे में भी जानकारी दी। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के शिलान्यास करने के लिए आमंत्रित किया। मध्य प्रदेश के रतलाम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का किया निरीक्षण। खुद कार में सवार होकर एक्सप्रेसवे पर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किया सफर। राजस्थान में 3 साल के भीतर 2,500 किलोमीटर सड़कें बनेंगी, 30,000 करोड़ की लागत आएगी। राजस्थान के सवाईमाधोपुर में भी नितिन गडकरी ने की दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के कामकाज की समीक्षा, कहा हाईवे बन जाने से आसान होगा दिल्ली मुंबई के बीच का सफर। फ्रांस को पछाड़कर दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा शेयर बाजार बना भारत, 3.4 लाख करोड़ के पार पहुंचा मार्केट कैप। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान, बैड बैंक के लिए 30,600 करोड़ रुपए की गारंटी मंजूर की। राव साहब दानवे को लेकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, महाराष्ट्र की राजनीति में मची हलचल। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के साथ आने वाले बयान पर दी प्रतिक्रिया, कहा राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है, उद्धव जी ने हमारे मन की बात अच्छी बात कही है, सुनकर अच्छा लगा। सामना में शिवसेना ने सोनू सूद पर इनकम टैक्स रेट को लेकर केंद्र पर निशाना साधा, कहा कोरोना काल में समाज सेवा कर रहे सोनू पहले चाहते थे, आपका ब्रांड एम्बेसडर बनते ही छापे पड़े। सोनू सूद के समर्थन में उतरे शिवसेना नेता संजय राउत, पूछा कोई आपके साथ काम नहीं करता तो क्या वो आपका दुश्मन बन जाता है। एंटेलिया मामले में गिरफ्तार सचिन वाजे का ईडी के सामने बड़ा खुलासा, कहा पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बार और होटल से पैसे वसूलने को कहा था। जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष अजय चौटाला ने अपने बेटे और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का किया बचाव, कहा दुष्यंत क्यों इस्तीफा दे, ना उसने कानून बनाया ना इस पर साइन किया। देहरादून पहुंचे बीजेपी प्रभारी प्रहलाद जोशी, जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत, बहुमत से चुनाव जीतने का दावा। ओवैसी के विधायक अख्तरुल इमाम का बिहार के मंत्री राम सूरत राय पर निशाना, कहा सीमांचल का सौहार्द बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा, हमारी शराफत ने लोगों को गाली देने का मौका दिया। आज से शुरू हुई कांग्रेस की सोशल मीडिया की बैठक, 5 राज्यों में चुनाव को लेकर 2 दिन चलेगी मीटिंग, राहुल गांधी कल करेंगे बैठक को संबोधित। यूट्यूब पर अपने लेक्चर और कुकिंग के वीडियो पसंद किए जाने से केंद्रीय मंत्री गडकरी गदगद, कहा यूट्यूब मुझे हर महीने कर रहा है 4 लाख रुपए का भुगतान। भवानीपुर में प्रचार के दौरान ममता का बीजेपी पर हमला, धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया। ममता ने कहा देश को नहीं बनने दूंगी दूसरे तालिबान या पाकिस्तान, ताकत से करूंगी मातृभूमि की रक्षा। भवानीपुर के लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंची सीएम ममता बनर्जी, पूजा पाठ की। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर भवानीपुर में प्रचार के दौरान कोरोना नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया, चुनाव आयोग से की शिकायत। बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिबरीवाल ने घर घर जाकर शुरू किया प्रचार, ममता के खिलाफ चुनाव लड़ रही। भवानीपुर में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका टिबरीवाल ने बजाया ड्रम, लोगों से वोट देने की अपील। प्रियंका टिबरीवाल ने टीएमसी पर जासूसी करवाने का आरोप लगाया, कहा मेरे हर कदम पर रखी जा रही है नजर। प्रियंका टिबरीवाल ने ममता बनर्जी पर लगाया सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप, कहा पुलिस एक पार्टी के वर्कर की तरह कर रही है काम। बंगाल से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर गई एनआईए की टीम, 8 सितंबर को अर्जुन सिंह के घर पर बम फेंके गए थे।
भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, कहा राहुल गांधी हिंदुओं से माफी मांगे, पुलिस थाने में शिकायत देकर एक्शन लेने की मांग की। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा राहुल गांधी से डरती है बीजेपी, राहुल गांधी के अंदर नेतृत्व की क्षमता। पीएम के विपक्षी दलों पर बयान को लेकर बोले अधीर रंजन, वो हमें पसंद नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे। कमल हसन की पार्टी एमएनएम स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी, हसन 9 जिलों में करेंगे चुनाव प्रचार। जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेता महबूबा मुफ्ती ने सेना पर दिया विवादित बयान, कहा सेना करती थी कश्मीरियों को टॉर्चर, मुफ्ती साहब के सीएम बनने के बाद लगी रोक। श्रम सम्मान योजना के तहत सीएम योगी ने ट्रेन लाभार्थियों को बांटी टूल किट्स, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत चेक बांटे। मुंबई के बीकेसी में अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर का हिस्सा गिरा, हादसे में 18 मजदूर घायल, 5 की हालत गंभीर, सुबह 4:30 बजे के करीब हुआ हादसा। घटना के वक्त 40 मजदूर और टेक्नीशियन फ्लाईओवर पर मौजूद थे, जेसीबी और क्रेन की मदद से चल रहा है मलबा हटाने का काम। हादसे के कारणों का फिलहाल पता नहीं, जांच के लिए एमएमआरडी के अधिकारी मौके पर मौजूद। मुंबई के मानखुर्द में स्क्रैप गोदाम में लगी आग, देखते देखते पूरे कंपाउंड में आग लगी। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू, किसी के घायल होने की खबर नहीं। मनोज पाटिल को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एक्टर साहिल खान समेत 3 के खिलाफ केस दर्ज, पाटिल का इलाज मुंबई के एक अस्पताल में चल रहा है। दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 57 साल का रिकॉर्ड, राजधानी में अब तक 1160 मिलीमीटर बारिश दर्ज। उत्तर पश्चिम भारत में इस महीने के आखिर तक जारी रहेगी बारिश, मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मौसम के सितंबर में पीछे हटने की संभावना नहीं। कोची में समुद्र में डूबी मछली पकड़ने वाली 3 नाव, INS द्रोणाचार्य की सी वॉल के पास डूबी 3 बोट। थाने में पुलिस ने 23 साल के एक शख्स को गिरफ्तार किया, 4 लाख से ज्यादा और 1 किलो चरस रखने का आरोप, NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। बेंगलुरु में एक 16 साल के लड़के का शव सड़क किनारे मिला, पुलिस को खुदकुशी का शक, सुबह 4 बजे से अपने पिता की 2.2 mm पिस्टल के साथ घर से गायब था लड़का। नल्लौर के शिव मंदिर से नदी की मूर्ति हुई चोरी, चोर ने बड़े सफाई के साथ मूर्ति को स्टैंड से बाहर निकाला। विशाखापट्टनम की आंध्र यूनिवर्सिटी के अफगानी छात्रों ने किया तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन, अमेरिका से लगाए तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देने की गुहार। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी में हुआ विस्फोट, 10 घरों को हुआ नुकसान, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गणेश उत्सव पर नासिक में मोदक की बढ़ी डिमांड, बाजारों में तरह तरह के मोदक बिक रहे हैं। हैदराबाद में गणेश विसर्जन के लिए बनाए गए कृत्रिम तालाब, 10 फीट तक गणपति का हो सकता है विसर्जन। सुकेश चंद्रशेखर केस में ईडी ने जैकलिन फर्नांडिस को दोबारा भेजा सुमन, 25 सितंबर को पेश होने का आदेश। मुंबई में मर्डर मामले का खुलासा, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। राजस्थान के बारा में सड़क हादसे की सीसीटीवी तस्वीर आई सामने, बाइक से जा रहे दंपति को कार ने मारी टक्कर, हादसे में दोनों जख्मी। राजस्थान के झुंझुनू से हिरासत में लिया गया ISI के लिए जासूसी करने वाला युवक, ISI को भेजे गोपनीय सूचनाएं और फोटो। कर्नाटक के पूर्व मंत्री KC वीरमणि के घर पड़ा छापा, वीरमणि के घर के बाहर पुलिस से भिड़े कार्यकर्ता। चुनाव रिश्वत मामले में कासरगोड जिले के क्राइम ब्रांच में पेश हुए केरल बीजेपी के प्रेसिडेंट KS सुरेंद्रन। पश्चिम बंगाल के मालदा मेडिकल कॉलेज में बुखार से 24 घंटे में 3 बच्चों की गई जान, 10 बच्चों की हालत गंभीर। जम्मू में रिलीफ कमिश्नर ऑफिस में कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शन, राहत राशि न मिलने की वजह से लोगों ने नारेबाजी की और आतंकवाद के खिलाफ भी आवाज उठाई। बिहार के कटिहार में 2 बच्चों के बैंक अकाउंट में 960 करोड़ रुपए की एंट्री से परिवार हुआ हैरान, बैंक मैनेजर ने सिस्टम की गलती बताई, कहा कोई पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ। परिवार का आरोप, अकाउंट में पहले से मौजूद 200 रुपए भी बैंक के ने वापस ले लिए, अब अकाउंट में जमा 200 रुपए वापस करने की मांग। तेलंगाना के जयशंकर भूपलपल्ली में महिला फॉरेस्ट ऑफिसर पर अटैक, स्थानीय लोगों ने पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की, 2 अन्य कर्मचारियों पर भी किया हमला। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर्स को रेलवे की खास स्वागत, मॉडर्न फैसिलिटीज वाले एग्जीक्यूटिव लाउंज का शुभारंभ हुआ, यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी। दिल्ली में हरियाणा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और टूरिज्म विभाग के चेयरमैन सुभाष बराला की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक, हरियाणा के टूरिज्म बढ़ाने को लेकर हुई चर्चा। सुभाष बराला ने कहा कोविड का टूरिज्म पर पड़ा है बेहद बुरा असर, कोविड की वजह से घाटे में गए हैं, टूरिज्म सेक्टर को उबारने के लिए कोशिश की जाएगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने माता वैष्णो देवी स्मारक सिक्का जारी किया, माता वैष्णो देवी को दर्शाने वाला यह सिक्का 20 ग्राम चांदी का है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड की अगुवाई में 12 नेशनलाइज्ड बैंकों के चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की बैठक हुई, आम आदमी और किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। ओडिशा में भारी बारिश के अलर्ट के बाद एक्शन में सरकार, भद्रक, केंद्रपाड़ा, कटक, पुरी और जाजपुर में NDRF की 5 टीम तैनात। भारी बारिश की वजह से सभी स्कूल कॉलेज 2 दिनों के लिए बंद किए गए, सीएम योगी ने जारी किया आदेश। यूपी के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते हुए हादसे में 15 लोगों की गई जान। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से 3.5 किलो सोना बरामद, 4 लोग गिरफ्तार, पुलिस कर रही है पूछताछ। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल, पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाशों ने भी की फायरिंग।
डेंगू और वायरल फीवर से निपटने के लिए 15 डॉक्टर्स की टीम पहुंची फिरोजाबाद। अब तक 60 लोगों की हो चुकी है मौत। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल फीवर का कहर जारी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 61 की मौत। मेरठ में डेंगू ने पसारे पैर। 142 मामले सामने आए, 83 केस एक्टिव। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बढ़े डेंगू के मामले। डेंगू के 298 मरीजों में से 250 ठीक होकर लौटे। रांची में वायरल फीवर का प्रकोप। अलग अलग अस्पतालों में करीब 500 बच्चों का चल रहा इलाज। पिछले साल के मुकाबले 10% ज्यादा बच्चे प्रभावित हुए। उत्तर प्रदेश में 4 आतंकियों के घुसने की खबर से मुरादाबाद में पुलिस प्रशासन अलर्ट। सभी महत्वपूर्ण जगहों पर सुरक्षा कड़ी। जगह जगह चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। यूपी के बुलंदशहर में वाहन गिरोह चोर के 4 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं। चोरों के पास से 12 बाइक और 2 स्कूटी बरामद। मुरादाबाद में अवैध क्लिनिक पर ड्रग कंट्रोलर और पुलिस की छापेमारी। भारी मात्रा में नकली दवाइयां बरामद की गई। एक आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बागपत में पशु क्रूरता अधिनियम में 3 आरोपी गिरफ्तार। 4 प्रतिबंधित पशु बरामद। महिला सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश के बागपत के एंटी रोमियो टीम अलर्ट पर संदिग्धों से की गई पूछताछ। यूपी के प्रयागराज में पति पत्नी के बीच विवाद। महिला हेल्प डेस्क ने आपसी सहमति से करवाया समझौता। उत्तर प्रदेश एफटीएफ ने मिलावटी खून बेचने के आरोप में एक डॉक्टर को किया गिरफ्तार। उसका एक सहयोगी भी गिरफ्त में। देश में कोरोना के 34,640 नए केस सामने। 318 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में कोरोना के 22,182 नए केस। 178 लोगों ने गवाई जान। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,595 नए केस। 45 लोगों ने दम तोड़ा। नागपुर में 32 पुलिस थानों के पुलिसकर्मियों और अधिकारियों का हुआ आरटीपीसीआर टेस्ट। पुणे से ट्रेनिंग करके लौटे 12 पुलिसकर्मी पाए गए पॉजिटिव। रामगढ़ के कोलिजियम में अनोखी पहल। छात्रों को मिला कोरोना से लड़ने का प्रैक्टिकल लेसन। फैंसी ड्रेस प्रोग्राम करवाकर जागरूक किया। चीन ने 1 अरब लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का दावा। के 140 करोड़ की आबादी में से 72% लोगों को दोनों टीके लगाने का दावा। इंग्लैंड और वेल्स में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगानी शुरू। 50 साल से ऊपर के फ्रंटलाइन और सोशल वर्कर्स को सर्दियों से पहले सुरक्षित करना है उद्देश्य। दिल्ली में कोरोना के 28 नए केस। से कोरोना मरीज की मौत। झारखंड में 20 सितंबर से खुलेंगे 6वीं और 8वीं तक के स्कूल। 9वीं से 12वीं तक के क्लासेस पहले से चल रही हैं। तालिबान करें तुगलकी फरमान। महिला मामलों के मंत्रालय में महिला ही कर्मचारियों को घुसने पर लगाई गई पाबंदी। केवल पुरुष कर्मचारियों को मिली एंट्री। आईएमएफ ने फिलहाल अफगानिस्तान के साथ अपने संबंध तोड़े। तालिबान सरकार को दुनिया भर में मान्यता मिलने की तस्वीर साफ होने के बाद किया जाएगा आगे का। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के 6 सीनेटर्स ने अमरीकी कांग्रेस में पेश किया बिल। तालिबान को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग। अफगानिस्तान पर अमेरिका के विशेष दूत का दावा। राष्ट्रपति गनी के देश छोड़कर भागने से तालिबान से डील नाकाम। काबुल में एक साथ कई रॉकेट दागे गए। जान माल का कोई नुकसान नहीं। काबुल में एक भारतीय नागरिक के लापता होने की खबर। एमईए का बयान, हम लगातार संपर्क में हैं। नॉर्थ कोरिया ने बढ़ाई दुनिया की चिंता। पहली बार ट्रेन से किया मिसाइल परीक्षण। संयुक्त राष्ट्र ने बताया शांति और सुरक्षा के लिए खतरा। रेल में मिसाइल सिस्टम लगाने से नॉर्थ कोरिया को मिलेगा फायदा। देश के किसी भी कोने से मिसाइल दाग सकेगा नॉर्थ कोरिया। ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी देने के एक तरफा ऐलान से यूरोप में अलग थलग पड़े अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन। फ्रांस समेत कई देश नाराज। व्हाइट हाउस ने कहा भारतीय प्रशांत क्षेत्र को लेकर ऑस्ट्रेलिया के साथ करार फ्रांस को झटका नहीं। डील के बाद ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ मिलकर बनने वाले 12 पनडुब्बियों का रद्द करार किया। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा फ्रांस को डील के बारे में पहले ही दी गई थी जानकारी। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने भी दी सफाई। बोलिविया की महिलाओं ने समुद्र से 5,890 मीटर की ऊंचाई पर खेला फुटबॉल मैच। पारंपरिक कपड़े पहनकर महिलाओं ने भारी बर्फबारी के दौरान 20 मिनट तक खेला मैच। अमेरिका की कैलिफोर्निया में 2 जगह जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। खतरे को देखते हुए नेशनल पार्क को किया गया बंद। जंगल की आग से प्राचीन पेड़ों को भी खतरा। जंगल का 9,000 वर्ग किलोमीटर ज्यादा इलाका अब खाक हो चुका है। आग पर काबू पाने की कोशिश। 1 अक्टूबर से चिली जा सकेंगे विदेशी पर्यटक। डिप्टी टूरिज्म मिनिस्टर ने किया ऐलान। चिली की सीमा में प्रवेश करने के लिए पर्यटकों को दिखानी होगी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट। पर्यटन उद्योग को फिर से बहाल करने की कोशिश। अर्जेंटीना में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। नौकरी और सरकारी योजनाओं का लाभ देने की मांग। मैक्सिको में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। कोरोना से मरने वालों को भी याद किया गया। यूएन चीफ ने जलवायु परिवर्तन को लेकर दी चेतावनी। कहा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए बनाना होगा प्लान। चीन स्पेस स्टेशन से वापस लौटेंगे 3 एस्ट्रोनॉट। 90 दिन स्पेस में रहने के बाद वापसी होगी। सुनील गावस्कर की नजर में केएल राहुल कप्तानी के लिए परफेक्ट। कहा राहुल को भारतीय क्रिकेट टीम के फ्यूचर कप्तान के रूप में तैयार किया जाना चाहिए। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने T20 की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया। T20 विश्व कप के बाद छोड़ेंगे कप्तानी, बल्लेबाजी पर ध्यान देंगे। कोहली ने ट्विटर पर चिट्ठी पोस्ट कर कहा 8-9 साल से तीनों फॉर्मेट में खेल रहा हूं। टीम इंडिया की कप्तानी के लिए चाहिए थोड़ा स्पेस। कोच रवि शास्त्री और रोहित शर्मा से बात करने के बाद विराट ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। खिलाड़ी के रूप में रहेंगे टीम का हिस्सा।
बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने तीनों फॉर्मेट में कोहली को बताया बेहतर कप्तान, भविष्य के रोडमैप को देखकर लिया गया फैसला कहा। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने टी20 में कोहली के योगदान की तारीफ की, बोले कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया जीत सकती है टी20 विश्व कप। विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा को मिल सकती है टी20 टीम की कप्तानी, टी20 में रोहित का है बेहतर रिकॉर्ड, 19 मैचों में से 15 में मिली है जीत। विराट कोहली की कप्तानी में 45 टी20 मैचों में से 27 में मिली जीत, 14 मैचों में मिली हार, 2 मैच टाई, 2 बेनतीजा रहा। टीम इंडिया का इस साल का न्यूजीलैंड दौरा टला, व्यस्त कार्यक्रम और कोविड नियमों को लेकर फैसला, टी20 विश्व कप के बाद अगले साल टीम जाएगी न्यूजीलैंड। भारतीय टीम के कोच रवि शास्त्री, भरत अरुण और आर श्रीधर को कराना होगा फिट टू फ्लाइट टेस्ट, इंग्लैंड में पूरा किया क्वारंटीन, भारत लौटने से पहले दिखाना होगा आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट। आईपीएल के 14th सीजन के दूसरे सत्र में ऋषभ पंत ही संभालेंगे दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी, टीम के को ऑनर ने कप्तानी बरकरार रखने का किया फैसला। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर के चोटिल होने के बाद ऋषभ पंत को मिली है जिम्मेदारी, ऋषभ की कप्तानी में दिल्ली की टीम नंबर 1 पर काबिज। आईपीएल में अमित मिश्रा तोड़ सकते हैं लसित मलिंगा की सबसे अधिक विकेट का रिकॉर्ड, मलिंगा ने सबसे अधिक 170 विकेट लिए हैं जबकि अमित मिश्रा 166 विकेट लेकर दूसरे नंबर पर। हरभजन सिंह बड़े पर्दे पर कमाल करते नजर आएंगे, आज रिलीज होने वाली है तमिल फिल्म फ्रेंडशिप, हरभजन ने अपनी फिल्म का एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो डांस करते नजर आ रहे हैं। चीन में एक साथ 15 हाई राइज बिल्डिंग को गिराने का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है वीडियो। मुंबई पुलिस ने शेयर किया आईपीएस ऑफिसर की वर्दी पहने भगवान गणेश की फोटो, सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रही तस्वीर। सलमान ने शेयर किया दोस्त शाहरुख का नया एड, लिखा स्वागत नहीं करोगे शाहरुख का, शाहरुख ने कहा थैंक्स भाईजान। नुसरत जहां के बच्चे के पिता पर सस्पेंस खत्म, निखिल जान नहीं एक्टर यश दासगुप्ता है नुसरत जहां के बेटे के पिता, बर्थ सर्टिफिकेट से हुआ खुलासा। 19 अक्टूबर से रूस में अजय देवगन शुरू करेंगे फिल्म मेडे की शूटिंग, बेयर ग्रिल्स की शूटिंग खत्म कर गुरुवार को मालदीव से लौटे हैं अजय देवगन। कंगना रनौत स्टारर सीता में लंकेश रावण का रोल प्ले करने करेंगे रणवीर सिंह, कई हफ्तों से जारी है मेकर्स के साथ चर्चा। प्रभास का वजन बढ़ने से परेशान हुए आदि पुरुष फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत, वजन बढ़ने के कारण जानने के लिए यूके में करवाएंगे एक्टर का स्पेशल बॉडी टेस्ट। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी, वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।